हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था किस तरह से हम कार्ट को, अगर हमारा वेब और मोबाइल एंड्रॉयड ऐप दोनों की कार्ट को किस तरह से सिंक करना है, ये चीज़ हमने देखा था। अगर हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी चल रहा है और वेब पे भी चल रहा है, तो इन दोनों में कार्ट वाला जो सिस्टम है वो किस तरह से एक ही सिंक होगा, मतलब एक ही कार्ट आइटम आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी दिखेगा और मोबाइल एप्लीकेशन पे भी दिखेगा, ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी थी। और आज के इस वीडियो में हम टेबल स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कार्ट के आइटम को अगर हमें चेकआउट पे ले जाना है, फिर पेमेंट में ले जाना है, तो बैकग्राउंड में टेबल स्ट्रक्चर क्या काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हमारा काम क्लियर हो जाता है तो आई थिंक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का सब कुछ पोर्शंस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एपीआई के थ्रू, फायरबेस डेटाबेस के थ्रू हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा काम हो रहा है एपीआई के थ्रू। अगर तो ऑब्वियसली अगर एपीआई के थ्रू काम कर रहे हो आप, तो आपको सब कुछ आपके MySQL में टेबल बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहले हम टेबल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताया, मैं दो तरीके से मान के चलता हूँ, दो केस। देखिए, हम दो केस मान के चलते हैं। ठीक है, पहला केस कि अगर हमारा कार्ट वाला जो टेबल है, कार्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन, ये सेशन में है। ठीक है, सेशन कार्ट ये मान लेते हैं, सेशन कार्ट या आपका रूम डेटाबेस वाला कार्ट है। ठीक है, रूम डेटाबेस कार्ट, आप रूम डेटाबेस वाला ही कार्ड मान के चलो, क्योंकि हम तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा कार्ड वाला जो सारा इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे पड़ा हुआ है, रूम डेटाबेस के अंदर में। और अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब वेब भी है हमारे पास और हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइस भी है, तो उस केस में हमारा जो कार्ट वाला इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो प्रोडक्ट्स जो कार्ट में पड़े हुए हैं, वो हमारे टेबल में है। मीन्स कार्ट इन टेबल, कार्ट का किसी भी नाम का एक टेबल में वो कार्ट का इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक तो है। मीन्स हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्ट में पड़े हुए हैं। अब कार्ट के लिए ये बात हमने बता दी थी कि अगर हम दोनों पे सेम डेटा को सिंक करेंगे, वेब एप्लीकेशन पे भी और मोबाइल डिवाइस पे भी, तो हमारा कार्ट का टेबल होगा। और अगर हम सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वो इसमें भी टेबल होगा, बट वो रूम डेटाबेस पे होगा। आगे का क्या करना है? अगर हमारा नेक्स्ट, अब हमें चेकआउट करना है, पेमेंट करना है, तो ये तो हमें मैच है कि चेकआउट में बस हमें एक पेज बनाना है जहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और वहाँ से हम पेमेंट के टेबल में फॉरवर्ड कर देंगे। बट बैकग्राउंड में क्या काम करेगा, टेबल स्ट्रक्चर्स कैसे काम करेंगे, इसका डेटा को आप स्टोर कैसे करोगे, पेमेंट का डेटा कैसे स्टोर करोगे, ऑर्डर आईडी वगैरह वगैरह ये सब आप कैसे स्टोर करोगे, वो हम इस बेसिकली इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली आपको दो टेबल बनाना है। देखिए, ये कार्ट वाली बात को मैं छोड़ के बता रहा हूँ। सबसे पहले हम TBL ऑर्डर नाम का एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, फील्ड क्या होगा इस टेबल में, इस टेबल के अंदर TBL ऑर्डर के अंदर फील्ड क्या क्या होगा, ये आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड, ऑर्डर नंबर। ठीक है, ऑर्डर नंबर ये आप जनरेट करोगे। ठीक है, ऑर्डर नंबर हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ये बाई कोड हम रन टाइम में ऑर्डर जो है वो जनरेट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि ऑर्डर नंबर कैसा जनरेट होगा, ये आपके जो क्लाइंट जिसको आप डिलीवर करोगे प्रोजेक्ट, ये उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसा वो बोलेगा भाई कि इस सीक्वेंस में या इस पर्टिकुलर पैटर्न पे हमारा ऑर्डर नंबर जनरेट होना चाहिए वो। तो ये डायनामिकली आप अपने कोड के थ्रू, अगर आप एंड्रॉयड डायरेक्टली एंड्रॉयड कर रहे हो तो जावा के कोड के थ्रू करोगे, या आप वेब पे भी कर रहे हो तो PHP या जिसके भी थ्रू करना करो, बट ये आपका कोड जनरेटेड होता है। ठीक है, ऑर्डर नंबर के बाद, ठीक है, यहाँ तो हो गया हमारा आईडी, यहाँ हो गया ऑर्डर नंबर, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे ना हम प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन यहाँ हम नहीं देंगे, यहाँ हम फिर देंगे फाइनल अमाउंट। क्योंकि देखिए, टोटल अमाउंट और फाइनल अमाउंट में फ़र्क होता है। हो सकता है कि आपने कोई कूपन अप्लाई किया हो तो वो जाके फाइनल अमाउंट कम हो गया हो। अगर 2000 का बिल हुआ है, उसमें आपने कोई कूपन अप्लाई किया कस्टमर ने, तो उसका बिल हो गया सपोज 1980। तो इस तरह से फाइनल अमाउंट और टोटल अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो आप यहाँ टोटल अमाउंट चाहें तो भी जोड़ सकते हैं। टोटल अमाउंट तो देखिए, ये जो टोटल अमाउंट है ना,
ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट है। अगर आप डीबीएमएस अच्छे से पढ़े हो तो जानते हो कि डेराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट जो कैलकुलेट हम कर लेते हैं, जो हम किसी दूसरे फील्ड से डेराइव करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसे आप टेबल में रखने की ज़रूरत नहीं होती है थियोरेटिकली। बट प्रैक्टिकली ये डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि वो किस तरह से प्रोग्राम कर रहा है। तो हम रख लेते हैं, चलिए टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट ये हो गया। अब यहाँ पे हमें देना है कि भाई ट्रांजैक्शन नंबर क्या होगा या पेमेंट। सबसे पहले हम देते हैं पेमेंट स्टेटस, आप पी स्टेटस लिख लेते हैं, पी स्टेटस है ना, पेमेंट स्टेटस क्या है। अब वो पेमेंट जब हम करवाएंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल होके आएगा या पेमेंट पेंडिंग होगा या पेंडिंग फेल हो जाएगा, तो जो भी होगा इसके अंदर होगा, पी स्टेटस के अंदर में होगा। तो ये इसी से एडमिन पैनल में ये पी स्टेटस देख के वो समझेगा कि हाँ पेमेंट इसका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि देखिए वो एक बार चेकआउट पेज में आता है, पेमेंट पे क्लिक करता है, जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेगा ऑर्डर नंबर हम जनरेट करवा देंगे सॉरी तो जब पेमेंट पेज से वो रिटर्न आएगा ना हमारे एप्लीकेशन पे या हमारे वेब एप्लीकेशन पे, तो ये ऑर्डर नंबर जनरेट, हम रन टाइम में ऑर्डर नंबर जनरेट करेंगे, और जब रिटर्न आएगा ना तो वो पेमेंट का स्टेटस भी लेके आएगा साथ में, तो उस पेमेंट स्टेटस को हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया हमारा, फाइनल अमाउंट हो गया हमारा, पेमेंट स्टेटस आ गया, अगर सक्सेसफुल हो गया तो, पेंडिंग हो गया तो, फेल हो गया, जो भी स्टेटस है यहाँ दिखाएगा। और अगर ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल हो गया ना तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिल जाएगा, इस ट्रांजैक्शन नंबर को आपको यहाँ देना है। ऑर्डर स्टेटस ये देना है, ऑर्डर स्टेटस, क्योंकि अभी तो ऑर्डर, अभी जैसे उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर का अभी कोई ऑर्डर प्रोसेस, इसके बाद वो प्रोसेस में चला जाएगा, उसके बाद डिलीवर्ड में चला जाएगा, तो ये ऑर्डर स्टेटस उसको मैनेज करेगा। उसके बाद ऑब्वियसली डेट, इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर नंबर, टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, प्रोडक्ट, पेमेंट स्टेटस, ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर स्टेटस, डेट। यहाँ पे ये सारी फील्ड कब आप इस टेबल में इंसर्ट करोगे, जैसे ही वो पेमेंट स्टेटस से वापस आएगा, आप जैसे ही जाओ पेमेंट में वो जाएगा। ठीक है, पेमेंट में गया, आप पेमेंट में जाने से पहले आप ऑर्डर नंबर पे आप डायनामिक कैलकुलेट करके इसे डाल सकते हो, टोटल अमाउंट डाल सकते हो, आप फाइनल अमाउंट भी डाल सकते हो, बट पेमेंट स्टेटस जो है ना ये आपको कब मिलेगा, पेमेंट स्टेटस, ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर स्टेटस, ये तीनों कब मिलेगा, जब वो पेमेंट स्टेटस से हम रिटर्न आएंगे तब इसी टीबीएल ऑर्डर टेबल को हम अपडेट करेंगे, हम अपडेट करके फिर इसका ट्रांजैक्शन नंबर, पी स्टेटस और ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे, हम अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डर नंबर तो हमें ऑब्वियसली पेमेंट जो गेटवे है उसमें पास करना पड़ेगा, जब वो रिटर्न आएगा तो उसके टोकन में आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, पेमेंट स्टेटस मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाएगा, ऑर्डर स्टेटस अब अपने हिसाब से अपडेट करो। तो ये तो हो गया टेबल स्टेटस, बट अब एग्जैक्टली जब हम एडमिन को दिखाएंगे तो टीबीएल ऑर्डर के अंदर में एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिवली एक और टेबल बनेगा, ठीक है, जहां पे ये जो ऑर्डर नंबर है ना ये फॉरेन की बन के जाएगा, मतलब यहाँ पे आईडी हो गया, अब ये ऑर्डर नंबर वहां पे बनेगा फॉरेन की और यहाँ पे आएगा पीआईडी, प्रोडक्ट आईडी, कि अब उस ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में टोटल कितने प्रोडक्ट्स क्लाइंट ने परचेस किए, कस्टमर ने परचेस किए। अब मान लेते हैं उसने टोटल चार प्रोडक्ट परचेस किए, तो यहाँ पे अब जैसे आईडी वन है ऑर्डर नंबर, सॉरी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग हो गई, वो है दैट इज यूजर आईडी। ओके, यूजर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी ये यूजर आईडी हमारा मिस हो गया टीबीएल ऑर्डर से। ठीक है, तो यूजर आईडी, ऑर्डर आईडी, अभी ये यहाँ पे ऑर्डर नंबर अगर हम निकाल लेते तो बिल्कुल यूनिक मिल जाएगा हमें पर्टिकुलर यूजर आईडी का। अब वो उस ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम पीआईडी बनाएंगे। अब मान लेते हैं ऑर्डर नंबर हमारा है इस तरह का कुछ, अब इस ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में टोटल पांच प्रोडक्ट खरीदे गए हैं, तो उस प्रोडक्ट की आईडी होगी 101 ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद ये दो हो गया, ऑर्डर आईडी सेम रिपीट होगा है ना, और इस ऑर्डर के अगेन दूसरा एक और प्रोडक्ट है 102, फिर 3, फिर 4, 5, 7, 8, इस ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में एक और प्रोडक्ट है हमारे पास 103, फिर 4, 4, 5, 7, 8, इस ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक और प्रोडक्ट है विच इज़ 104। तो इस तरह से टोटल चार, एक ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में टोटल कितने प्रोडक्ट होंगे इसके लिए हम एक अलग सेपरेट टेबल और बनाएंगे।
तो ये दो टेबल आपका पूरा इन्फॉर्मेशन कंटेन कर ले रहे हैं चेकआउट और पेमेंट का। पहला होगा टीबीएल ऑर्डर, दूसरा होगा ऑर्डर डिटेल्स। आप इन इस टेबल को ऑर्डर डिटेल के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, टीबीएल ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो ऑर्डर में इस तरह से फील्ड सेटअप होंगे और ऑर्डर डिटेल्स में इस तरह से फील्ड सेटअप होंगे। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हुआ। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप बस अब आपको क्या करना होगा, अपना एक एपीआई बनाना होगा पीएचपी का, जिसके थ्रू आप डेटा को इस सारे टेबल में इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे और फिर टीबीएल ऑर्डर डिटेल में भी स्टोर करोगे। ठीक है, फिर वापस जो भी अपडेट होगा आप अपने एक्टिविटी वाले में जाके दिखा दो कि ऑर्डर नंबर उसको दिखा दो कि हाँ भाई सक्सेसफुली हो गया। इन बैकग्राउंड हम पीएचपी एपीआई के थ्रू इन दोनों टेबल्स में हम इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे, टीबीएल ऑर्डर में, टीबीएल ऑर्डर डिटेल्स में। अब इसके थ्रू आप देखिए एडमिन को भी आप सारा इन्फॉर्मेशन दिखा पाओगे कि भाई ऑर्डर ये है, अमाउंट ये है, क्लाइंट ये है, मीन्स कस्टमर ये है, ऑर्डर का स्टेटस ये है, ट्रांजेक्शन नंबर ये है, इतना तारीख को। अब जब उसे ऑर्डर का डिटेल दिखाना होगा तब अब उस ऑर्डर नंबर को पकड़ के क्यूरी चलाओगे कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल ऑर्डर डिटेल्स वेयर ऑर्डर नंबर इक्वल टू 10, वहां से आप सारे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन उसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बोले, जैसे अभी मैं बात कर रहा था डेराइव एट्रीब्यूट की, तो यहाँ से आपको ना इस पीआईडी से आपको ये फाइनल टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बट इट भी डिपेंड करता ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन और डेवलपर के ऊपर। ठीक है, और ये फाइनल अमाउंट आपको देने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई कूपन कोड अप्लाई हो रहा है तो वो कूपन कोड की आईडी भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई कूपन अप्लाई हो रहा है तो कूपन की आईडी दे देंगे, बाकी उस कूपन टेबल से हम इन्फॉर्मेशन फेच कर लेंगे। तो अभी कूपन को छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल जनरल वाला अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तब आप बताइएगा, तो फिर हम एड्रेस और कूपन के ऊपर फिर हम एक आर्किटेक्चर टेबल बनाएंगे और फिर उसको हम समझेंगे। ये दोनों चीज़ें जब समझ जाएंगे तब फिर मैं आपको इसका एक कोड करके दिखाऊंगा, चेकआउट पेमेंट वगैरह वगैरह का। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।